मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, MSME पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हस्त से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही, आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, बजट में रखा गया बहुत कुछ, लेकिन इसके लिए बेहतरीन वातावरण होना जरूरी है। जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए, उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का तवक्का है, मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल होगी। थैंक यू सर।